बाबा सिद्दीक हत्याकांड के तार बहराइच से जुड़ने की खबर आते ही बहराइच के कैसरगंज तहसील क्षेत्र के ये गंडारा गांव में हड़कंप सा मच गया है। यहां पर सभी आश्चर्यचकित हैं कि वो दो लड़के, वो दो नौजवान जो यहां से अपने परिवार को पालने के लिए काम करने के सिलसिले में पुणे गए थे, आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसे कौन से लोग उनसे मिले जिन्होंने उनको इस राह पर धकेल दिया जिसमें वो बाबा सिद्दीक हत्याकांड के मुख्य आरोपी बन गए। हमारे साथ उनमें से एक आरोपी जो फरार चल रहा है शिवा गौतम, उसकी माता जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। माता जी, आपका नाम क्या है? सुमन। ये जो शिवा गौतम है वो आपका कौन किस नंबर का बेटा है? बड़ी बिटिया से छोटा है। अच्छा, यानी दूसरे नंबर का बेटा है। ये कब से बाहर था? मार्च में होली हुआ था, होली के 8 दिन बाद से। मतलब उससे पहले कभी पुणे नहीं गया? नहीं, पुणे गवा है तो भंगाई गाँव के लड़का है हरीश नाम के, उसके दुकान पर काम करत रहा भंगाड़ के, तो आवत रहा जात रहा आवत रहा जात रहा। अच्छा, अभी होली के बाद जब से गया है तब से क्या काम कर रहा है? यही भंगार के काम, भंगार का काम। हाँ। अच्छा, ये जो आपको सूचना मिली है? ये कैसे मिली, क्या पता? सवेरे जैसे हम लेटरिंग एंड लेटरिंग चैन द्वारा बाहर इतरा है, बाहर हरा पस के काम करित रहा, तब मतलब अरे सबे रोड पर बतुआत रहा, तो हमारे आदमी बलाइन तो जब हुई गए तो वहां से नहीं आया, तब मैंने हम पूछा का होगा, कहीं कुछ नहीं, हमका का होगा, कहीं कुछ नहीं, कहीं कि तुम बीपी बेरमिया हो, बेगिर जी हो, जैसे कहीं तैसे मामा दे थर थरान हम रोवे लगे, बीपी लो हो गए, तब गई हम दवाई लई हन खावा, तब से आप ही लोग सुबह कोई सवेरे से आवत जा तो का कुछ पता चला? बस यही पता चला कि मतलब अरे शिवा मतलब अरे कांड में फंस गया, न्यूज चला था। अच्छा, ये जो शिवा था ये मतलब यहाँ पर जब गांव रहता था तो ये किसी तरह के लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में कुछ नहीं किए? नहीं, अपराधी कोई के यहाँ नहीं रहा, ना कोई के दुश्मन ना। अच्छा, घर आपसे बात होती थी शिवा से? हाँ, बहुत रहा था, बिचम बंद हो गया रहा बात, तो गांव के लड़का हरीश रहा वो बात करा दिया रहा, इसी पंडित का लड़का बात करा दिया रहा, ये सब करा दिया रहा। अभी सबसे जल्दी कब बात हुई, आखिरी बार कब? आखिरी बार होगी आज 8-9 दिन होगी वो लड़का बात कर रही रहा। क्या कुछ कहा शिवा ने कुछ ऐसा जिससे? हम कहा भैया रे हम मतलब अरे का हाल कहें ठीक है, हम कहा भैया मेरी माता जी भाई कहें ठीक है, हम कहा तो का भैया तो कहें की दीपावली में बस। तो आप तो दीपावली आ रही है और आपको ये सूचना मिली है, सूचना क्या सूचना मिल गया तो हम भैया बताओ सवेरे से नहीं परेशान, जब से सुना था से परेशान है हम तो आपने देखा जिस तरह से माँ को या परिवार को या गांव वालों को सिर्फ इतना ही पता है कि शिवा और धर्मराज जो कि पुणे में रहकर काम करते थे उन्हें कल बाबा सिद्दीक हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है जिसमें से धर्मराज को पकड़ा गया है, शिवा अभी फरार है। हालांकि इससे ज्यादा की जानकारी गाँव वाले भी नहीं दे पा रहे हैं, परिजनों का भी यही कहना है कि लड़का काम करने गया था, वहां से काम करके खर्चा भेजता था, वहां से पैसे भेजता था जिससे उनका गरीब परिवार किसी तरह अपना पालन पोषण करता था। लेकिन जिस तरह से ये खबर आई है कहीं ना कहीं पूरा परिवार सदमे में और पूरा गांव बेहद ही सदमे में और आश्चर्यचकित है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ जिससे ये दोनों बच्चे एक गलत राह पर पड़ गए। बहराइच से News24 के लिए मोनिश अजीज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।